क्या स्मोकिंग की वजह से हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होता है एंड स्मोकिंग आपके हेयर ट्रांसप्लांट को रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए ये वीडियो देखिए। स्मोकिंग इन जनरल बॉडी के लिए इंजूरियस है, जो कि बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, उसमें मेन जो होता है लंग्स। इसके साथ साथ ये हमारे स्किन और हेयर को भी अफेक्ट कर सकता है। जब हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के जो सिगरेट है उसके अंदर जो टबाको होता है उसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है जिसको हम निकोटीन बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग स्मोकिंग जो फ्यूम प्रोड्यूस होता है, जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, उसमें कार्बन मोनोक्साइड होता है। तो ये जो दो कंपाउंड है, कार्बन मोनोक्साइड एंड निकोटीन, इनको दीज आर ऑल पोटेंशियल वैसो कंस्ट्रिक्टर। इसका मतलब ये जो एरिया है वहाँ पे ब्लड फ्लो कम कर देते हैं। जिन लोगों को हेयर लॉस का इशू होता है उसमें आपके जो रूट है वो थिनिंग स्टेज में है, उसमें ब्लड सप्लाई की कम होती है, उनके न्यूट्रिशन भी कम होती है, तो एक कंप्रोमाइज स्टेट में होता है। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं तो ये फर्दर उस एरिया में ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। तो अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है एंड आप अगर स्मोकर्स हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो हेयर लॉस को ये एक्सीलरेट कर देगा, या फिर अगर आप कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसमें इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा जिसमें नॉर्मल इंडिविजुअल में जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। कमिंग टू ट्रांसप्लांट, जैसे हम ट्रांसप्लांट में पीछे के एरिया जो डोनर एरिया जहाँ से हम ग्राफ्ट निकालते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है जो लोग चेन स्मोकर जैसे पर डे 10 से 12 या फिर फुल पैकेट सिगरेट कंज्यूम करते हैं, तो उस तरह के लोगों में जो पीछे का डोनर का हीलिंग जो होता है नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा टाइम लगता है। एंड ट्रांसप्लांट हेयर जो है उसमें जो शेडिंग फेज होता है, या कुछ लोगों में सॉक लॉस भी होता है, स्मोकर्स में सॉक लॉस शेडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होता है, रिकवरी लेट होता है। और इसके साथ साथ ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कुछ लोगों में जितना ग्रोथ आना चाहिए, जितना डेंसिटी होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा सब ऑप्टिमल ग्रोथ होता है, थोड़ा सा डेंसिटी कम होता है, क्योंकि कंप्रोमाइज वैस्कुलर की वजह से, कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो की वजह से हेयर का थिनिंग भी होता है। तो अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम से स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, बट देर आर मेनी वेज जिसमें हम स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। स्मोकिंग का जो क्रेविंग होता है, जो और जाता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है, लाइक निकोटीन पैच, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट धीरे धीरे आपको स्मोकिंग से छुटकारा मिले। यू कैन क्विट स्मोकिंग परमानेंटली, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फ़ायदा है। प्लस अगर आपको हेयर फॉल भी हो रहा है एंड आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या फिर सर्जरी कराना चाहते हैं, अगर आप स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं तो भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हेयर रीग्रोथ, एंड ऑल्सो आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।